लेबोरेटरी पहुंच गए भाई क्या अब तो बड़े गुस्से में अरे भाई नहीं नहीं, नहीं हमको मत, भाई, हमको मत नहीं नहीं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं हूं और गाइस आज मैं आ गया हूं बेबी इन येलो के कैट अपडेट के साथ अब इस पीले बच्चे की कहानी ना गाइस बहुत लोगों ने खेल रखी है बट हमारा ना मेन मोटिव है कि ये पता लगाना है कि आखिर बच्चा कौन है शैतान का बच्चा है लूजिफर का बच्चा है किसका बच्चा है तो यार इसी इन्वेस्टिगेशन को करते हुए मैंने प्लेनेट यूजर रहस्य में ना दो तीन वीडियोस बना रखी है जिनमें ना शीत यानी भीड़ की अपडेट और रेविट यानी खरगोश वाली अपडेट मैंने कवर कर रखी है बट अब एक नई अपडेट आई है जिसका नाम है कैट अपडेट जो हमने पिछले बार भी दिख रही थी तुम तो लोग को याद होगा तो यार ऊपर पे एक कमरा था जहाँ पे एक पेंटिंग बनी हुई थी और फिर बिल्ली बिल्ली का भी कुछ सीन दिख रहा था वहाँ पे तो अब ये वाली अपडेट है तो चलो यार इस डेट को ट्राई करते हैं और जरा फाइंड आउट करते हैं कि आखिर ये बच्चा है किसका तो अब हम नया भाई वो क्या गया कुछ गया ना अभी यहाँ पे से कुछ जाता हुआ दिखाई दिया मुझे तो बिल्ली बिल्ली तो नहीं गई कैट अपडेट है तो बिल्ली गई हो सकती है चलो ये एक नया बंदा फंस गया लग रहा है इधर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एच ए आर ई ये था कि एच ए आर ई कहीं पे? तो कंपनी का नाम है किसी भाई स्पार्किंग की आवाज़ आ रही है इसी से आ रही है भाई लिफ्ट खराब वराब हो गई यार ऐसे क्या चढ़ा भाई तू इस लिफ्ट में फिर तो लिफ्ट खराब कर दीजिए भाई किसी का पैकेट पड़ा हुआ है पार्सल पड़ा हुआ है इस पर कुछ नहीं है भाई चिट्ठियाँ पड़ी हो और नहीं रहता है ना इस बिल्डिंग में खाली कमरे खाली सारे कमरे लॉक पड़े हुए हैं इधर के ओह भाई ये अर्थ को रहा है क्या भाई भूकंप आ रहा है भाई बाहर जाना पड़ेगा भूकंप आ रहा है तो लिफ्ट में भागो लिफ्ट की तरफ भागो भूकंप आ रहा है भाई लिफ्ट खुल जा लेफ्ट लिफ्ट लिफ्ट खुल भागे भूकंप आ रहा है नहीं यार भाई लिफ्ट पे तो जा ही नहीं पा रहे हम लोग कोई नहीं यार चलो आगे की तरफ ही बढ़ते हैं भाई इस दरवाजे के पीछे कुछ नहीं है इस दरवाजे के पीछे भी नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन भाई यहीं जाना पड़ेगा और ये बेबी का रूम है वो देख रहे हो बिल्ली वहाँ पे अच्छा इस बार हमने ना जैसे पिछले बार वाले में रैबिट को फॉलो करना था ना इस बार शायद से हमने बिल्ली को फॉलो करना है तो चलो तरफ देखते हैं भाई बिल्ली चमक रही है यहाँ पे ओ बिल्ली चमक रही है ये हमने एक बिल्ली आजाद करा दी तो ऐसा है ना जो ये बेबी इन येलो है पिल्लू बेबी हमारा इसने बारह बिल्ली को कैद कर रखा है जैसे ये है और ये थी देखो दूसरी बिल्ली दो बिल्लियों को हमने आज़ाद कर दिया क्या, क्या क्या इस बिल्ली ने मैंने सुना ही नहीं यार क्या क्या है और इधर पे कुछ है नहीं भाई तीसरी बिल्ली कहाँ है तीसरी बिल्ली नहीं है बिल्ली कहाँ है टॉयलेट सीट के अंदर तो नहीं डाली है बिल्ली कहीं इसने भाई पानी भी काला आ रहा है पानी का कलर देख रहे हो और ये डॉक्टर का गिफ्ट है इसके लिए दस और सोल्स को आज़ाद करना पड़ेगा भाई बिल्डिंग गिर जाएगी क्या यार इतना क्यों हिल रही है अब रुक जाना थोड़ी देर मैं इधर पर ना इधर एक बार आ क्यों देख लेता हूँ प्लेट गिरी यहाँ पे मैंने कहा क्या हो गया नहीं इसके अंदर भाई तुम्हारे अंदर कुछ है एक और बिल्ली मिल गई चलो तीन बिल्लियां हमने रन भाई भागो कह रही है बिल्ली लेकिन चलो कोई नहीं और देखते हैं हमने नहीं भाग रहा भाई हमें तो मिस्टेक सॉल्व करना है ना हमें तो पता लगाना है कि आखिरी बच्चा है किसका तेना उस बिल्ली को फॉलो करते हैं ब्लैक कैट को और इससे पहले कि ये घर गिर जाए ऊपर की तरफ जाते हैं बेबी कहाँ गया लेकिन यार वो बिल्ली ने गंदा कर दिया क्या है ये पिल्लू अटेल है कहाँ गया भाई तू कहाँ है पिल्लू यार पिल्लू का पता नहीं चल रहा वैसे ही कर ओ भाई ये क्या हुआ टीवी चली मैंने कहा क्या हुआ भाई एक और बिल्ली 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 एक और बिल्ली चार बिल्लियाँ आज़ाद कर दी हमने सब बिल्लियाँ रन रन कह रही हैं ना वो तो, तो इस रिकॉर्डिंग में वही है कैसे ये वो बंदा बता रहा है कि कैसे वो और उससे पहले भी कई सारे लोग ने इस बच्चे को बेबी सिट करने के लिए आए बट उनके साथ रहना बहुत बुरा बुरा हुआ और हस्तर हाँ शैतान का नाम अस्तर और कैसेडा वाला कुछ सीन था भाई सीधे ऊपर की तरफ चलते हैं चलो क्लाइम चलाया डर ऊपर की तरफ चल जा भाई बच्चे को ढूंढ रहा है तूने और ये पेंटिंग्स है गाई वो डरावनी डरावनी पेंटिंग्स जिनसे ना ये पता चलता है कि ये बच्चा जो है वो शैतान से रिलेटेड है किसी भी तरीके से ये बच्चे ने फेस ड्रॉ कर रखा है भाई इधर पे भी ड्रॉ कर रखा है बिल्ली वहीं पे तो बैठी है भाई इधर की तरफ भी अंदर ड्रावनी ड्रावनी पेंटिंग्स हैं ये हस्तर हस्तर का बेटा है शायद से हस्तरी है शायद ओके तो बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पे काली बिल्ली जिसकी आँखें बढ़िया न्योन चमक रही हैं और ये बिल्ली पेंटिंग के अंदर घुस गई हम भी इस पेंटिंग में जाएंगे फिर शायद से ये होगा हम इस पर पेंटिंग में जाएंगे भाई कुछ हो रहा है पेंटिंग के अंदर खींच रही है पेंटिंग हमको और भाई बच्चा पीछे तो बैठा हुआ है अरे पिल्लू हटे ले कहा भिजवा दिया भाई तूने हमको ओके तो इतना तो शायद प्रीवियस अपडेट में भी था इतना तो ना पिछली वाली जो रैबिट अपडेट वाली अपडेट थी उसमें भी था आवाज किसकी आ रही बिल्ली की सोने की आवाज आ रही खराटे मार रही है बिल्ली या हालत खराब हो रखी है हमारी इस बेबी येल्लो से और तू तो खर्राटे मारने में मा लगी है कौन सा मंत्र पढ़ रही है जम मारू नहीं कुछ हो रहा है जब नहीं मारता तो गिर जाऊँगा अली भाई बंदा बेहोश हो गया तो इस कैट अपडेट का ना सबसे पहला जो पार्ट है वो है क्यूरियोसिटी क्विक एज यू कैन फॉलो मी थ्रू द पोर्टल डोंट लेट हिम सी तो बिल्ली हमसे कह रही है कि जितना तेजी से ना मुझे तुम फॉलो कर सकते हो उस पोर्टल के अंदर फॉलो कर लो बस तो बच्चे से ध्यान देना उसको मत देखने देना कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो तो अब हम इसके अंदर पहुंच गए चैप्टर के अंदर कहा बिल्ली कहाँ ले रहे हमें तू ये बिल्ली अच्छे न वाली है क्या भाई उधर की तरफ पे है ना ये हमें उस बच्चे से बचाएगी होटल से ये पेंटिंग की अदर साइड मैम पेंटिंग के अंदर आ गए और पेंटिंग उस साइड का हमें दिख रहा है कि वहाँ पे ये पिल्लू हटेला बैठा हुआ है इसकी आँखें भी कैसी शैतान की सी लाल हो रखी है शैतान ही एक नंबर का है ओके तो यहाँ पे भी एक किसी की रिकॉर्डिंग है इसको भी सुन लेते हैं ओके अच्छा इस पेंटिंग से ना वर्ल्ड्स के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं तो कोई बंदा इधर भाग के आ गया है जिसको डर लग गया था कि कहीं बच्चा और मार ना दे शायद ओके okay, तो किसी बंदे का लॉग है और ये कह रहा है कि ये जो पेंटिंग है ना ये दुनियाओं के बीच में ट्रैवल करने के काम आती है भाई ये सिंबल देख रहे हो ये अस्तर का सिंबल है शायद शतान रतान का सिंबल है कि ये कैनवस ऐसा होगा कि भाई इसमें ऐसे ड्रॉ करते हो कि दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हो इसके पीछे क्या है मुझे पीछे का भी दिखाओ ये शरूम्स क्या यहाँ पड़े मशरूम्स क्यों पड़े हुए यहाँ पे जादू मशरूम्स हैं इसे रेंच से मारूंगा इस पिल्लू अटेले के ओके तो ये मशीन किस चीज़ की है बेटे भाई किसी और का लॉग भी पड़ा हुआ है भी सुन लेते हैं ओके वो जून का था ये सेप्टेम्बर का है क्या कह रहा है बंदा जब से न्यूट गायब हो तब से जो पेड़ पौधे ना कुछ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं और ये लोगों को बड़ा फील हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है इधर अकेलापन महसूस हो रहा है इसको चलो बिल्ली का विषय करते हैं फिर ओके तो ये शेल्फ को हटाने के लिए हमें यहाँ पे बुक रखनी पड़ेंगी दो बुक्स और चाहिए भाई ये बुक नीचे आनी चाहिए ना अलग कलर की दिख रही है तो इसमें टू सिंबल्स बने हैं थ्री बने हैं फोर बने हैं फाइव बने हैं फाइव वाला हमने भी डाला अब इधर पे आएगा इधर तुम्हारा वन टू थ्री तीन सिंबल वाली यहाँ आएगी और दो सिंबल वाली ऊपर आएगी मतलब दो डॉट्स वाली तीन सिंबल्स वाली तो ये है तीन डॉट्स वाली इसको हम रख देंगे नीचे वाले पे और फिर ऊपर पे हमें चाहिए एक दो सिंबल वाली दो सिंबल दो डॉट्स वाली दो डॉट्स वाली बुक कहाँ पर है दो डॉट्स वाली बुक दो डॉट वाली बुक दो डॉट वाली बुक और लास्ट बुक भी ना गाइज में मिल गई है जिस ना हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे जिसके बाद ये खुल जा रहा है चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे से हम अब पहुँच गए भाई ये भट्टी में कहाँ पहुँच गए फर्नेस क्यों रखी हुई है यहाँ तो यार ये तो बंद हो रखा है यहाँ पे तो जा नहीं सकते वेल्डिंग हो रखी है इसके अलावा तो वेल्डिंग को हम कोयले से पिघला के नहीं कर सकते भाई कोयला और कोयला डालूँ आग लगा दूँ फोड़ देता हूँ यहाँ पर ओके बढ़ाओ भाई आगे बढ़ाओ तेज़ बढ़ाओ बहुत तेज़ कर दो भट्टी जो है वो फुल स्पीड में आ गई है भट्टी ना धमाका होता है भट्टी से और लास्ट में हमने जैसी ये प्रेशर बिल्कुल यहाँ पे पहुँच जाएगा भाई अपने एक्सट्रीम में तो हम वैसे ही वॉल खोल देंगे और वॉल खोलते ही धमाका नाइस यहाँ का रास्ता खुल गया तो इधर का रास्ता खुल गया अब इसके रास्ते से ही ना हम हमारे तरफ को बढ़ देते हैं यार ये, ये हैं कौन से मशरूम्स यार लेकिन ये चमकने वाले अंधेरे में चमकने वाले मशरूम्स ओह तो ये हम किसी टनल में पहुँच गए और इधर ना मशरूम्स के अलावा भी ना काफ़ी सारे न, प्लांट्स वगैरह आ गए हैं भाई तभी वो कह रहा था जब से न्यूट मरा ना तब से प्लांट्स बढ़ गए तो न्यूट को यार हमें ठीक भी क्या ना करना पड़ जाए कहीं हो सकता है भाई ये क्या था बिल्ले ऐसे का आ रहा है भाई कहाँ से निकला ये मैं पाइप वाइप है क्या कहीं पे यहाँ चलो उधर की तरफ चला गया भी जाते हैं बिल्ले की तरफ बट यार बिल्ले ऐसे मत डरा ना और इधर पे ये ये देख रहे हो प्लेक डॉक्टर प्लेक डॉक्टर का छोटा सा खिलौना टाइप का रखा हुआ है और तो दरवाजा खुला हुआ है तेज तेज चल भाई तेज चलो चलो हम थोड़ा आगे पहुंच गए बट भाई जहां था ये अर्थव्य क्यों आ रहे हैं ओके एक्सप्लोर बियॉन्ड द गेट हाँ भाई गेट के आर पार जाता हूँ भाई आवाज़ किसकी आ रही है लेकिन अदर साइड भाई गेट के उस साइड पे कौन है कौन है कौन है कौन कर रहा है आवाज़ ये लॉकड है इधर की तरफ से आवाज़ आ रही है अभी जाना वो जाता हूँ उधर की तरफ बट पहले इधर की तरफ जाता हूँ इधर की तरफ मैं देखता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर बैटरी वैटरी क्या, क्या भाई क्या भाई ब्रोकन बैटरी नट्स एंड बोल्ट भाई तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री है क्या यहाँ पर एक्सपैरिमेंट्स वगैरह हो रहे थे शायद ओके okay, तो यहां पे ना एक और लॉग पड़ा हुआ है मतलब एक और रिकॉर्डिंग है तो मार्च का है ओके okay. क्या बता रहा है इसमें तो किसी बंदे ने न्यूट को बनाया है ओके तो न्यूट जो है ना इस वो वही वाली मशीन है और ये ना ये जो लॉग्स है ये किसी बंदे ने रिकॉर्ड कर रखे हैं जिसने न्यूट को बनाया स्विच खोल लूँ उधर की तरफ भी एक बार देखा था ना क्या चीज़ है फिर यहाँ पे से आयोग हो जाएंगे तो मैं कह रहा था कि उस बंदे ने न्यूट को बनाया ओह भाई दरवाज़ा कर रहा है यार मैं को क्या चीज़ कर रही थी भाई यार अरे भटबट भटबड़ कर रहा है खुल जा दरवाज़े बिल्ली उधर की तरफ है बिल्ली अभी आते हैं भाई तेरे पास है बिल्ली कहाँ ले जाना चाहती हूँ मैं अरे यार पीछे मिस हो गया क्या नहीं ड्रोगन बैटरी इस पर बैटरी लगानी है क्या हमने इस बैटल आगे इसको जिंदा करना है तो उस बंदे ने ना न्यूट को यूज करके प्लांट्स की कुछ खतरनाक खतरनाक स्पीशीज बना रखी हैं जो होती तो खतरनाक है बट ना वो काफी फायदेमंद है अब किस तरह से फायदेमंद है वो मैं आए को पता चलेगा फ्लोरा ऑफ कारकोसा ये कारकोसा को इस जगह का नाम वो कार्कोसा जहां वो हस्तर रहता है वहां का नाम कारकोसा था शायद से वही था मैंने बताया हुआ तुम्हें बाकी इधर पे देखो पेंटिंग बन रखी है प्लांट्स को से दूध निकाल ला और दूध बच्चे को पिलाया तो बच्चा शैतान बन गया यार ये कहना चाहती है कि ड्रॉइंग इट लुक्स डेड भाई ये तो प्लांट मर चुका है भाई क्या बनाना चाह रहा था ये बंदा यहाँ तो यहाँ पे बैटरी पड़ी हुई एक बैटरी उठाते हैं और उस बच्चे के लगा देते हैं जो छोटा सा रोबोट है बाकी मैं कह रहा था कि यार लोग ना अच्छी खासी लाइफ इन्जॉय करो अंट शंट बिल्कुल लैब में बैठ के ऐसे सैतानी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो ओके तो भाई तुम्हारे तो साथ रहने वाला है क्या मुझे लग रहा है हमारे साथ रहेगा जिस हिसाब से छुटको दिख रहा है ना छुटको ओ छोटू छोटू हमारे साथ रहने वाला है क्या टेक रोबोट अप स्टेज फॉर रिपेयर तो अब है ना इस रोबोट को ऊपर ले जाना और इसे रिपेयर करना है भाई बेचारे की ना आँखें टेढ़ी हो गई हैं बट सही लग रही है भाई ब्लू कलर की प्यारी प्यारी आंखें बड़ी क्यूट सी लग रही है प्लग इट इन ओके ओके तो इसको यहाँ प्लग करना है तो ये प्लग लग रहा है फिर डॉक रोबोट ओके okay, तो इस चीज के लिए था न्यूट अभी न्यूट ने इसको सही कर देगा टैप ओके okay, ओके okay, तो हमने ये पजल करनी है चार्ज हो गया ओके 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 चार्ज हो गया और ओ नहीं 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 सॉरी 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 छुट्टू ओके okay, तो फुल चार्ज हो गया हमारा ये नीलू हमारा नीलू रोबोट और नीले रोबोट सांथ रहने वाले क्या हमारे तू? अरे हाय हेलो हेलो रोबोट कैसा है तू रो और गले मिलता हक दे रहा है तू तो? तो पेंटिंग वेंटिंग निकाल रहा तू ये क्या ये क्या चीज है रिक्वायर सिंग कार्टिज फाइंडिंग फॉर न्यूट अब न्यूट के लेना हमें इंक डूटनी है ये कहीं पर होगी भाई इंक ये इंक तो गिरी हुई है अरे ला रहा हूँ न्यूट मेरे बेटे ऑयल से चल जाएगा हम न्यूटते रहें नहीं न्यूट को ऑयल नहीं चाहिए यार न्यूट की इंक कहाँ है न्यूट के लिए इंक चाहिए हमें इधर पे पड़ी हुई है अच्छा अच्छा नीचे तो पड़ी हुई है यार और पहले देख लेना चाहते हैं इंक इधर पे अब जाते हैं फटाफट -फड़ से न्यूट को या लिंक दे के आते हैं न्यू भाई ये क्या हुआ भाई किसी ने कुछ कर दिया कि न्यूट को अरे न्यूट में आ रहा हो भाई वो बच्चा तो नहीं आ रहा है उधर साइड से मुझे लग रहा है भाई वो बेबिन नो आ जाएगा थोड़ी सी तेर में साइड पर लोटेला ना हमारा भाई सिर में क्या हो गया सिर सही हो गया सही हो गया सही हो गया हार्ड भेज रहे न्यूट ओके न्यूट पटका न्यूट पटका पटका न्यूट पटका तो यार मैंने पूरा छान दिया मुझे कहीं न्यूट गले बूस्टर नहीं मिल रहा है बट मुझे एक यहाँ पे ये यह चीज दिखी है तो यहाँ पे ना न्यूट को टॉक करते हैं और शायद से उससे ये कमरा खुल जाएगा और इस कमरे में हमें मिलेगा वो बूस्टर रुक न्यूट आ रहा होंगे तो ये बूस्टर लेके भागना मत और किसी को ले जाने मत देना वो पिल्लू अटेला आएगा तो चुपचाप यहाँ से जम मारा और हमारी तरफ को आ जाना ठीक है समझ रहा है तो भाई यार इसके समझ समझ का तो पता नहीं मुझे बट ये कि बूस्टर ना इसका यहीं कहीं होने वाला है ओके तो सबसे पहले ना सबसे पहले इस वाले दरवाजे में जाते हैं भाई न्यूट का बेस लग जाएगा क्या यहाँ पे से ओके ओके तो न्यूट का ना बेस यहीं पे पर लग जाएगा शायद से रुक न्यूट लेके आ रहा हूँ तभी नींद लेके आ रहा हूँ यहाँ अरे देखो जैसे ही मैं इसको निकाल रहा हूँ दरवाज़ा बंद हो जा रहा है यहीं लग पर लगे रहो तो भाई तुझे यहीं लगा के कुछ करना पड़ेगा मैंने रुके लो यहाँ से जाते हैं भाई न्यूट का ना जो बूस्टर है वो तो यहीं पर लगने वाला है ये तो गारंटेड है अब दूसरा ट्राई करते हैं कमरा इस कमरे को ट्राई करते हैं और इधर पे ना वो प्लेक डॉक्टर के भाई वो रखे हुए हैं यहाँ पे एक और लॉक पड़ा हुआ है इसको भी सुन लेते हैं ये जनवरी का है इसके आगे चमक रही है ओके okay. ओह oh. तो जो बंदा है ना वो कह रहा है कि इन डॉल्स को मैंने ना अपने जैसा दिखने वाला बनाया तो इसका मतलब वो भी ना ऐसे प्लेग डॉक्टर की तरह के कपड़े पहनता है शायद से और बेबी का प्लशी पिल्लू बेबी के साथ सीन ये है कि ये बंदा ना उसके ऊपर और उसके जो बेबी सिटर्स है उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है भाई अपार्टमेंट नंबर टेन में बट ये है कौन डॉल मेकिंग वॉल्यूम फाइव डॉल्स कैसे बनाते हैं वो है पिल्लू हटेला नॉट अलाउड तो या तो हो ना इस बंदे को इस पिल्लू हटेले के बारे में इस बेबी के बारे में पता है कुछ और ये ना उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है दरवाज़ा बंद करने के डोर स्टॉपर अच्छा उधर पे लगाएंगे वाह इतने कमरे के बीच में ये बिल्कुल मैंने कहा कोई खतरनाक चीज़ रखी होगी यहाँ पे बट नहीं यहाँ पे तो कुछ और ये तश्तरी टाइप की रख, रख रखी है जिसे हमने वहाँ पे यूज़ करेंगे हमें समझ गया म्यूजिक बज गया किसी का तगड़ा और इसे हम यहाँ पे लगा के कोशिश करेंगे कि अब दरवाजा बंद ही ना हो आज हमारे रोबो आ जाए तू बट हम इधर की तरफ तो गए ही नहीं चला इसको घुमा के लाते हैं इधर की तरफ चल भाई इधर दरवाज़ा खोलते हैं और इधर देखते हैं क्या है गेट अ बूस्टर यूनिट अच्छा ये बूस्टर यूनिट हमने उधर ले जानी पड़ेगी ना और फिर ये बूस्टर यूनिट हमने ना इधर पर लगानी पड़ेगी बाकी फिर हमारे उस न्यूट को लेके और न्यूट कहा गया तू न्यूट नीली आँखों वाला न्यूट हमारा इसको हम उठाएँगे और फिर हम न्यूट को लगा देंगे यहाँ पे अरे पर रुक जा न्यूट यहाँ पे फिट हो जा तो बढ़िया से बस यहाँ हम लीवर खींच देंगे और न्यूट के नीचे फिट हो गया रॉकेट अब न्यूट हमारा उड़ पाएगा बधाई हो न्यूट अब तुम उड़ सकते हो न्यूट कहाँ जा रहा भाई फिर तेरी मदद करी मैंने भाई हाथ तो रहो कम से कम कैसा है यार न्यूट अकेला में छोड़ के चला गया और हमें ना इसी को डूबना है बट हम तेरे पास कैसे आएंगे न्यूट अपने भी फिट कर लेता हूँ भाई मैं ऐसे ही एक रॉकेट प्लेस करता हूँ और खुद खड़े हो जाता हूँ उसके ऊपर नहीं हो सकते यार हम अपने अपने में रॉकेट फिट नहीं कर सकते न्यूट को हम कैसे बुलाया न्यूट, न्यूट 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 ओ भाई क्या हो रहा है भूकंप अर्थव्यकार है अर्थव्यकार है कुछ हो गया बच्चा तो नहीं पहुंच गया भाई बच्चा बहुत सा गया पिछली बार भी थोड़ा आगे आ गया था वो मैं तभी सोच रहा था कि पिछली बार पेंटिंग में जब हम आए थे थोड़ा बड़ा बड़ा क्यों दिख रहा है वो बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि पेंटिंग के आप पास को आता जा रहा है न्यूट भाई कहाँ कर रहा है वहाँ क्या कर रहा है हेलिवेटस कैसे निकाल मैं तुझे गधेड़ो कैसे घुस गया तू हाँ मैं तेल रेंच डालना पड़ेगा रेंच 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 कहाँ गिरा है रेंच फेंके थे मैंने इधर उधर ओ भाई कौन करंट मार रहा है इतना न्यूट तू खुद आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है भाई मत कर लग जाएगी रेंच इधर पे पढ़ा मैं लुक ये ले रेंच ले भाई रेंच खोल अपने आप लेफ्ट साइड अब ऊपर जा रहा है ऊपर का जा रहा है भाई अच्छा न्यूट का सीन ऐसा है कि न्यूट है बिल्कुल एक अच्छा बच्चा और ये ना खराब हरा चीज़ों को रिपेयर करता है तो इसने ये रिपेयर कर दिया लिवेटर हमारे लिए प्यारा न्यूट बहुत थैंक यू थे यार न्यूट हमारे भाई अब क्या मांग रहा है ऑयल मांग रहा है ऑयल का कैन इधर पर पड़ा हुआ था जो मैं पहले तेरे को पिलाने की कोशिश कर रहा था न्यूट बट नहीं तू ले, ले आओ ऑयल का कैन हमारा अरे खुद पीने के लिए तो चाहिए था इसे अरे बढ़िया न्यूट ने गटका लिया तेल भाई बैटरी भी चाहिए तेल भी चाहिए भाई हथौड़ा भी चाहिए हथौड़ा भी खाएगा क्या एक ऐसा भुक्कड़ रोबोट है भाई इसको तेल भी चाहिए बैटरी भी चाहिए सब चाहिए भाई को ले भाई तो हथौड़ा भी ले थोड़े से सिर्फ फोड़ दियो अपना मत फोड़ना सिर्फ मत फोड़ना भाई ओके ऊपर जा रहा है और रिपेयर कर रहा है इसने कर दिया एलिवेटर रिपेयर फिलहाल ना गाइस अभी हमारा मिशन ये है कि न्यूट की मदद करके हमें बेसमेंट को लीव करना है क्योंकि थोड़ी देर मैंने इस बेसमेंट में मुझे लग रहा है बच्चा आने वाला है बेबी नहीं लो पूरी कोशिश कर रहा है इधर आने की ओके तो लिफ्ट सही हो गई चलो हम चल रहे हैं न्यूट के साथ

प्रोटेक्टेड बाई द वाइज क्योंकि करकोसा में मिलता है इडली ढोसा तो न्यूट कह रहा है एक सीक्रेट गार्डन है जहाँ ना वो आंखें नहीं देख पाती हैं अब आंखें किसकी शायद से वो बच्चे की होंगी या पता नहीं किसी और की होंगी और वो जो शायद से ना करकोसा में है वो सीक्रेट गार्डन जहाँ ना एक पागल खाना भी है जिसको ना बहुत बुद्धिमान लोग बचा के रखते हैं अच्छा ऐसा है चलो लेबोरेटरी में पहुंच रहे हैं बाकी मैं प्लान रहस्य से मैं इसकी कहानी सुना सकता हूँ यार अस्तर की और मैं खुद जानना चाहता हूँ कारकोसा की मिस्ट्रीज बट तुम लोग ना वाली वीडियोज चेकआउट कर देना दो तीन उसमें बता रखा होगा का फुलका भाई किसी आवाज़ जैसी आ रही अरे न्यूट यार पा पहा दे रहा पौधों को मैंने कहा क्या कर रहा है भाई किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है आ रहा हूँ न्यूट तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ बिल्ली के गई लेकिन वो मुझे थोड़ी चीज़ें देखने देगा न्यूट इधर पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने दो जरा किधर इधर पर क्या क्या है भाई क्या वो अच्छा यहाँ पे वेटर रखते तो दरवाज़ा खुलता है बटे दरवाज़ा पूरा नहीं खुलता था हमें कुछ ढूंढ के लाना पड़ेगा इधर पर रखने के लिए कि दरवाज़ा इससे खुल जाए शायद से यही होगा ओके okay, तो ये है हमारा हमारे ऑफ जॉन्डस कोर्ट अब तुम्हें यार मैंने प्लेग डॉक्टर की स्टोरी बता रखी है तो प्लेग डॉक्टर तो एक ऐसी भी है बट प्लेग डॉक्टर्स होते थे ना पुराने टाइम पे ये उनकी भाई पेंटिंग वेंटिंग बनी हुई है और पिल्लू वेले की भी है इधर पे एक पेंटिंग द तो चाइल्ड ही लिख रखा है यार इसको इसकी आँखें लाल हैं ये कौन है लेकिन एक आँख वाला आदमी लग तो डारवेल रहा है बट उसकी दो आँख होती है एक आंख वाला डारवेल लग रहा है भाई मेरे को तो और इधर की तरफ है ये भाई ये है ना अस्तर शायद स नहीं हार्बर रैकनिंग ये इस तरह पता नहीं इस तरह के टेंटिकल्स वेंटिकल्स निकालता है शायद वो निकालता है उसका जो पालतू तो जानवर है वो निकालता है पता नहीं भाई इधर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है इधर का दरवाज़ा बंद बंद ही करना भाई खोलना है और नहीं खुल रहा दरवाज़ा मैं कैसे जाऊँ साइड नहीं जा सकता तू क्या चाह रहा भाई अभी रुक जाना मैं इधर की तरफ जाना चाह रहा हूँ पहले फिर आ रहा हूँ मैं तेरी तरफ ये भी लॉकड है ये भी लॉकडा है ये भी लॉकडा है एक और रिकॉर्डिंग मिल गया है जिसको सुन लेते हैं ओके तो इस लॉग में Okay. I have this burning desire to paint the walls yellow. Yellow, so vivid in hue, and, and really such a fun word to say. Yellow, yellow, yellow. <laughs> yellow, this is the yellow room. Yellow, 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 yellow. Long yellow, yellow, dirty fellow. Soon to be Yellowly. तो भाई वी बंदे की रिकॉर्डिंग है और ये है येलो येलो डटी फैलो बागे लोग ना शायद से छोड़ के चले गए या कुछ हो गया उनके साथ तो कह रहा कि सब ये जो प्लेस है वो मेरे ही भरोसे है सारा ये जगह जो है तो इसलिए मैंने पेंट का डब्बा बढ़ा और सब जगह पीला पोत दिया भाई पेंटिंग भी पीली पोत दी है भाई पेंटिंग में कुछ और बनाता खाली पेंट पोत दिया बट इसी इतने हिस्से में क्यों पोता है इसने इधर को क्यों नहीं पोता यार इधर की तरफ में तो हरी है दीवार है तो रुकना भी एक मिनट यार तुझे बड़ी जल्दबाजी हो रही है मैं चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ यार न्यूट यार तो तो ये कब से घूम रहा है भाई तुझे तो सब कुछ पता है मुझे कुछ पता थोड़ी ना है मैं जानना चाहता हूँ इधर क्या चल रहा है तो न्यूट को डाल देते हैं इधर की तरफ और यहां से गुल गया ऐसे दरवाजा जिसके उस पार पे ना मैं बता रहा हूँ कि मॉन्सट वस्ट होने वाला है वाल घुमा लेते हैं भाई ये हवा शक क्यों कर रहा है मैं तो नहीं घुस जाऊँगा इसके अंदर नहीं नहीं ओके तो ये हम पहुंच गए उस लैब में भाई कितनी सही सी लैब लग रही है भाई रिक्वायर्स मैचिंग की की चाहिए इधर के लिए ओके तो ये है भाई ये बच्चा कैसे बना बट जो भी है फिलहाल अरे आउट ऑफ रीच है भाई उछल ले थोड़ा सा वो भाई चाबी रखी हुई है बट वो चाबी ना बहुत हाइट में कह रहा है लेकिन उछल के ले नहीं सकता भाई कच वहाँ गई का न्यूट को भी अलग ही चूल्हा है भाई इसको पौधों को पानी देना है ओके तो इधर पे ना एक और रिकॉर्डिंग है और भाई आधी बुक जल क्यों रखी है किसी ने सबूत बिटाने की कोशिश करी है शायद से कीप द रिंग स्पिनिंग की रिंग स्पिनिंग लेकिन किन रिंग्स को घुमाने की बात कर रहे हो चलो एक और रिकॉर्डिंग गाइस इसको भी सुन लेते हैं दिसंबर की है क्या बोल रहा है बंदा है? तो यार अब ऐसा है कि इधर पे ना नीचे पे तो पेंटिंग थी शायद से हमारी और दुनिया और उसकी दुनिया के बीच का रास्ता बट अब ना ये जायरोस्कोप जो ऊपर पे जायरोस्फेयर है ना ये है हमारे उसके बीच का रास्ता हमें कोशिश ये रखनी है कि ये कभी भी रुके ना ये छल्ले घूम रहे ना इसके ये रुकने नहीं चाहिए अगर ये रुक गए ना तो वो बेबी हमें ढूंढ लेगा ये बेबी को पिलाया नहीं है अभी बेबी का सीन है पता नहीं यार मैं कुछ नहीं बोल सकता है बेबी का सीन क्या है समझने की हम कोशिश करेंगे तो यार ना इससे ना हमें जो चीज़ बनानी है ना उसको ना शायद ना ये बुक यूज़ करके बनाना है तो रेड वाले में ये चीज़ पड़ी हुई है उसके अलावा ना हमने ब्लू को डालना तो इससे मैग्नेट बन जाएगा बिल्यू भाई ये पौधा ही लेंगे फिर हम इसके लिए और इस भाई काट रहा है काट रहा है अरे न्यूट आ तो भाई वो काट रहा है बिल्ली बिल्ली वहाँ की कर रही है बिल्ली ओके तू तो वाली चाबी अभी लेनी पड़ सकती है हमें तो बिल्ली लेकिन चाबी हमें दे देना तू यार नीड नीड्स हैंडल्स के लिए हैंडल चाहिए अरे न्यूट भाई मेरे एक बार यहाँ इससे कुछ करना है तूने भाई ये काट रहा है भाई न्यूट को मत काट दियो इतनी मुश्किल से सही कर रहा है मैंने न्यूट को अरे भाई मैं नहीं 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 न्यूट को कॉल किया मैंने न्यूट आएगा न्यूट करेगा कुछ न्यूट कर भाई सर ओके ओके न्यूट ने इसके ऊपर कुछ छड़क दिया और ये शांत हो गया अब ये ब्लू कलर का सब वो निकालेगा भाई ठीक है ठीक है ब्लू जेड निकालेगा इसको हमने हार्वेस्ट करके इसके अंदर डालना है और फिर ना इन दोनों को मिला के इस रिएजेंट को हीट करके ये फिर हम घुमाएंगे मिक्स करके बन गया अब देखो कुछ बनेगा क्या बनेगा मैग्नेट बनेगा शायद से तो बन रहा है ब्री हो रहा है भाई घुमा दो इसको यहाँ भाई जा रहा है जा रहा जा रहा है और यहाँ पे से इस सोल्यूशन जाते जाते इधर की तरफ में इस कोल्ड में कुछ बना देगा पक्का वही बनाएगा मैग्नेट आई नीड अ बॉटल ये तो है बॉटल 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 ओ भाई क्या कर दिया मैंने गलती कर दी क्या नहीं गलत बॉटल डाल दी क्या ये क्या हुआ ये कोई सामने से आ गया वो अरे यार बेबी भाई जा छुपा जा कहाँ गया वो न्यूट को ले जाना भाई तू अब बच्चे पीछा छोड़ दे भाई फीड तो बेबी क्या खिलाऊं तेरे को मैग्नेट खिला दूँ यारे बच्चा इधर भी पहुंच गया यार मैंने कहा अब इससे सामना नहीं करना पड़ेगा बट नहीं हमने करना ही है इससे सामना तो भाई ये फीड करना है क्या इसको ठीक है बेटा ओके मैग्नेट बना दिया इसको हमने अभी सारे लुहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा और उधर से ना वो चाबी भी आ जाएगी शायद से भली चाबी आ गई देखो एक चाबी आ गई भाई ये बच्चा है क्या है भाई ये ये टेस्ट सब्जेक्ट चल रहा है इसके ऊपर अंटेट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं देखो कभी इसको ये पिला रहा है कभी वो पिला रहा है इसको डाल देता हूँ उसके अंदर इसने में इसने मैं चाबी खींच के दी नी ये वाली चाबी ट्राई करते हैं ये वाली चाबी है इस दरवाजे की तो इस दरवाजे के अंदर जाते हैं और ये दरवाज़ा खुल गया फिर हम थोड़ा थोड़ा अंदर पहुँच गए तो क्या आई पौधों को पानी देने लग गया इसको भी ना यार पौधों को पानी देने की ना अलग ही खुजली है भाई पता नहीं कैसी खुजली है टोस्टी ये वही टोस्टी जो फट गया था उधर पे उसके घर में ओके तो इमरजेंसी ब्रेक दिस ग्लास अभी इमरजेंसी नहीं है ओके तो बाद में ब्रेक करेंगे इसको ये अवन के अंदर क्या बच्चे को ओवन में डाल दें यार नहीं यार ऐसी अंडीड चीज़ें यार चाहते हो क्या मैं करूँ जिस दरवाजे को हम खोलेंगे उधर पर चाहिए होगा मेरे ख्याल से वॉल्व वॉल्व वोल्व तू भाई तू पानी देते रहे यहाँ पे यहाँ पे लॉग है मेरे को सुनने दे भाई रिकॉर्डिंग so, तो अप्रैल फोर्थ की रिकॉर्डिंग है इस रिकॉर्डिंग में क्या कह रहा है ओह Okay. तो ये डॉक्टर का कोई सीन है भाई ये तो इसने कारकोसा से ना ये फ्लावर लाया है करकोसा वो वही जगह है जिसके बारे तुम्हें में तुम्हें प्लेनेट जो रहस्य में बताऊंगा तो यार मैं कहता है ये बंदा ना कारकोसा से वो प्लांट लेके आया उसके बाद इसने उस जड़ी बूटी जड़ी बूटी बना के बच्चे के लिए कुछ सोल्यूशन बनाया और फिर ना जो बच्चे के बेबी आते हैं वो ना उनके थ्रू उस बच्चे को सोल्यूशन पिलवाता है क्योंकि अगर वो आदमी खुद पिलाने की कोशिश करेगा ना तो जो बच्चा है ना वो पिएगा नहीं भाई हस्तर की ड्राइंग लग रही है मुझे चलो यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है ओके okay, ओ आधी बिल्डिंग की छत ही गिर गई बल हाँ तो the, क्या डरावनी चीज ओह तो ऐसा हुआ कि भाई इस बिल्डिंग की ना छत गिर गई बाकी बंदे को इसलिए बुरा इसलिए नहीं लग रहा है कि छत गिर गई और वो दब जाएगा उसके नीचे बुरा इसलिए लग रहा है कि छत गिर गई तो भाई वो बाथरूम नहीं जा पाएगा क्योंकि बाथरूम वाला हिस्सा गिर गया यहाँ पे ओके इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि हम ना इस न्यूट को भेज देंगे यहाँ से न्यूट तू जाएगा क्या भाई भाई इसे सक करके जा पाएगा न्यूट ओके तो न्यूट चला गया अंदर अब न्यूट अंदर से आ गया भाई न्यूट चाबी जो ले आता वो एक खजूर जब तुझे मैं उस साइड भेज रहा हूँ चा लाने के लिए भेज रहा हूँ अब मैं खुद जाऊँ क्या तो हम भी जा सकते हैं शायद से भाई खींचो हमें खींचो नहीं जा सकते इसको ही पिलाएंगे वो सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ इसको ना बेबी को ना वो सोल्यूशन पिलाते हैं और पिला के ना इस बच्चे को पकड़ते हैं और बच्चे को यहाँ डालते हैं अरे रुक जा रुक जा मेरे खच्चर इधर पे आ अभी बच्चा जाएगा और इस बच्चे के साथ ना वो चाबी आ जाएगी ये होगा शायद से वो चाबी अंदर जाएगी वो बच्चा मैग्नेट बनेगा और पिल्लू के साथ वो चाबी आ गई चाबी आ गई और उसके साथ ही चाबी इधर पे आ गई बहुत ही बढ़िया हमने कर दिया ये पज़ल सॉल्व लेकिन अभी हम अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाएगा तो ना फिर हमें पेल पाल देगा ये ओके तो यहाँ पे एक बुक है इस बुक को जला देते हैं हम जल जा बुक बट बुक के अलावा ना इधर पे एक सिंबल बना हुआ है और एक मग भी रखा हुआ है मग छोड़ दो इस सिंबल का मीनिंग क्या है न्यूट पता है भाई ये क्या है न्यूट बता दे मुझे भाई ऐसा करते न्यूट को फिट कर देते हैं इधर पे बिल्ली ऊपर पे है बिल्ली मिल गई बिल्ली मिल गई ओके okay, पहुंच गई होगी चलो बिल्ली के पास पहुंच गया बिल्ली कहाँ जा रही है बच्चा गायब हो गया ओ भाई न्यूट को फेंका क्या तूने न्यूट को मारता तू है न्यूट तेरे ऐसा ही तो है पर क्यों परेशान कर रहा है न्यूट को मैं नहीं पकड़ रहा तुझे मैं न्यूट को ही पकड़ूंगा मुझे न्यूट पसंद है मुझे, पसंद मुझे नहीं पसंद तो बच्चे तो यार इधर पे ना और कुछ नहीं है ये इसका अपना रूम वूम होता इधर पे बैठ के बढ़िया से बुक्स वुक पढ़ता स्पिन द ग्लोब भाई क्या था ग्लोब में ये करता हूं यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं अरे बेटा ऊपर पहुँच गए पिल्ला कहींगा पिल्लू 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 अब ये मत कहना कि यहाँ पे दरवाजे का कोड है भाई कहाँ से ढूंढू मैं कोड तो कोड ढूंढने का मैं बता रहा हूँ सीन ये होगा ना जितनी कैंडल्स होंगी ना इन कैंडल्स के पीछे पीछे एक सिंबल होगा शायद से तो अब ऐसे करते हैं फिर अरे भाई बुक क्यों मार रहा है एक तो ये सिंबल है मैं बता रहा हूँ एक सिंबल तो यही वाला है इतनी अकल है तुझमें तो सिंबल बता दे बुक फेंक के मार रहा है क्या डाल आगे बढ़ा दूँ तुझे सिंबल बता जल ओ भाई मैंने कहा जल गया अरे कपड़े जल गए क्या तेरे नहीं 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 जला भाई न्यूट हमारी ना बैटरी है यार जगह जहाँ पे ना बैटरी चीज़ हो रही है हम न्यूट को यूज़ कर रहे देखो ना वहाँ पे जाएगा वहाँ पे रोक देते हैं ओके वहाँ पे रुक गया अब ना उसके पीछे जाके देखते हैं क्या पता उस लाइट में दिखता हो वो कोड ओके तो यहाँ पे लाइट ओके कोड मिला दूसरा है सर्कल के बीच में स्क्वायर एक उधर पे है तो उधर पे जाता है न्यूट कहाँ न्यूट फिट रहना तो न्यूट यार तू उड़ क्यों जा रहा है यहाँ पे फिट रहा हो तू तू कहीं याद रखना सर्कल के बीच में स्क्वायर है ओ भाई न्यूट को क्यों मार रहा है क्या है पिल्लू अटेले न्यूट को पेलने में लगा है ओके रुक जा रुक जा रुक जाओ रुक जाओ रुक जा रुक जाओ रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ ऊपर चलो तो इधर पे भी हमें ना सिंबल मिल जाने वाला है ओके ये सिंबल है ट्रायंगल के बीच से ये तो इधर पे सिंबल पड़ा होगा भाई मैंने ही ढक दिया ये है सिंबल तो चलो एक ट्रायंगल था ऐसा एक ऐसा था ये था एक और ना एक वो था ये था बस खुल गया चलो वाइज हम पहुँच गए सीक्रेट रूम में ये सीक्रेट रूम है शायद से ओके प्लेग डॉक्टर वाले मास्क भाई ये मास्क पहनता था वो बंदा न्यू टू पर आ रहा है भाई डर लग रहा है मुझे अकेले क्योंकि अभी तक कुछ भावु हो नहीं रखी है अभी तक सब कुछ शान शान चल रहा है अचानक से मुझे लग रहा है भाई कुछ जम्स कर वम्स कर ना आ जाए अब बहुत देर तक शांति होगी ना यार गेम में ओके वेट शी शेखो वो कहा गई well, particularly... जो कैट है ना वो बहुत ही क्यूरियस क्रिएचर है वाली बिल्ली जो काली बिल्ली है ओके okay, पता नहीं उसके बारे में इसको कि वो कौन है क्या चाहती है अच्छा वो इंटेलिजेंट है और वो बता देती है कि भाई डेंजर आने वाला है तो वो बिल्ली ना यार लोगों की मदद कर रही है भैया बिल्ली यहाँ पे तो आएगी ना इसके बिल्ली के लिए दूध डालने का इसमें क्योंकि दरवाजे अलग खुल रहा है खुल रहा है खुल रहा है ये किसी का सीक्रेट रूम फेल ऑफ लेटर तो ये है भाई इससे पहले के डॉक्टर्स हैं जिनकी डेथ कैसी कैसी हुई वो लिख रखा है कोई खाई में गिर गया या किसी को पागलों ने मार दिया और कोई सीढ़ी से गिर के मर गया और निकलस आर्कम ये वो बंदा है क्या जिसको हम सुन रहे हैं पता नहीं कहा देखते हैं अभी यहाँ चलो यहाँ से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं और धीरे भाई बच्चे ने गिरा दिया भाई ऊपर क्या चढ़ेंगे अब हम बेहोश मत हो जा रहा तू तू तो के आ जाएगा हमें गिरा दिया तूने हैं हमें गिरा दिया तूने फेंको इसको फेंको खिड़की से पार फेंको तो अब हमें करना है ना डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ फोटोग्राफी तो भाई पेंटिंग्स का सीक्रेट डिस्कवर करना है पहले वो तो आँख है भाई आँख का कोई सीन है ये लेबोरेटरी है क्या और ये बिल्डिंग है फिर ये हम हम इस बिल्डिंग में शायद से इधर पे नहीं ये टूट गया है ये दरवाज़ा खुला है अभी जाते हैं दरवाजे के अंदर ये दरवाज़ा बंद है इसको ओपन कर लो भाई ये कैमरा है अजीब तरह का कैमरा है ये कैमरा पास्ट में दिखता है भाई इस कैमरे से ना तुम पास्ट की चीज़ें देख सकते हो देखो अभी जैसे सामने पर सब टूटा फूटा है ये टूटा हुआ है ये ख़राब हो रहा है दीवार ऐसी हो रही है बट इस कैमरे में देखो सब साफ दिख रहा है सामने पे एक पेंटिंग दिख रही है और गाना बजा हुआ है पिल्लू हटेल लेके बेडरूम की और पिल्लू हटेले के डाइनिंग रूम की जिस कैमरे से हमने फोटो लेनी है भाई कैमरे में रील डाली हमने तुझे बैठा लेता हूँ बेटे ऊपर बैठ गया तू देखो आजकल तो देखो फोन में आराम से फोटो खींच जाती है पुराने जमाने में ना ऐसे रील वाले कैमरे होते थे पुराने जमाने के मतलब कुछ टाइम पहले ही दस पंद्रह बीस साल पहले तो ना उस टाइम ऐसे ही होता था रील होती थी रील से फोटो खींचती थी उस रील को ना ऐसे लिक्विड में डाल डूल के फिर ऐसे करके बनाते थे तो कहीं सर हमने इस नेगेटिव से ना फोटो खींच ली अब इस फोटो को ना मैंने इसके अंदर डालना है ओके तो इसके अंदर हम डाल रहे हैं और भाई क्या कर रहे ये ओके तो क्या सीक्रेट है इसमें बच्चा है भाई स्क्रीन पे आ गए बाहर सही हो गया वो सब कुछ भाई बाहर सब कुछ सही हो गया मैं ये सोच रहा था कि बाहर सब कुछ सही हो गया होगा और यहाँ सब कुछ सही हो गया और अरे पिल्लू हटेले सब सही हो गया इधर पे अब म्यूज़िक तो बंद कर दो तो कान में अलग ही सुनाई दे रहा है तो ऐसी ना हमें ये वाला हिस्सा भी सही करना होगा और ये भी सही करना होगा ओके बट ये सही करके कोई फ़ायदा है थोड़ी ना सही हम इसी वाले को करेंगे ना उससे ये दरवाज़ा खुल जाएगा ओके तुम्हें समझ आ गया तो सीन ऐसा है ना कि सर ये है एक जादुई कैमरा इस कैमरे पुराने ज़माने का और इस कैमरे से हम जिस चीज़ की फ़ोटो खींचते हैं अब ये अलग दिखने लग गया भैया तो टाइम ट्रैवल हो रहा है या फिर ये अल्टरनेट दुनिया चल रही है देखो जैसे एक दुनिया में ये सही है देखो इस वाली दुनिया में ख़राब है बट हमने फ़ोटो खींची उस वाली दुनिया में सही है तो अब हमने दरवाज़ा बंद किया हमने फोटो बनाई और फिर जैसे ही हम फोटो को निकालते हैं वो टी वी में डालते हैं तो इससे ना वो बाहर का वाला पार्ट ना सही हो जाएगा ये हो रहा हो रहा है बाहर सही हो रहा है भाई टाइम ट्रैवल हो रहा है या पता नहीं दुनिया बदल रही है ओके तो अब देखना बाहर खोला ये सही हो गया तो ये सही हो गया इधर का पार्ट भी कर लेते हैं फिर सही यार एक देख लेते हैं क्या पता उधर पे कोई सीक्रेट वगैरह मिल जाए हमें इधर वाले इसका भी सही हो गया अब इसमें कोई सीक्रेट वगैरह है क्या ये ना तो पिल्लो वडा लेगा वही बेडरूम है मतलब तो डाइनिंग रूम है और ये उसका बेडरूम है मैं पहले ही कह रहा था चलो इसके अलावा ना भाई बाहर पे भी धूप जैसी आ गई क्या तो रात का टाइम है ये वो आँख है भाई ऊपर पे चलो हम लोग बाहर बार तो जाएंगे शायद से अब ऐसा करते हैं कि ये जो लीवर खुला है नया स्विच इसको ऑन करते हैं इससे कुछ तो होगा ओ भाई ऊपर की लिफ्ट जैसी खुल गई है ओके इट लुक्स लाइक डेड भाई 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 इसको रिस्टोर करने के लिए भी वही भाई वो जो पौधा है ना ये मरा हुआ है ये जो कैमरा है नहीं है टाइम ट्रेवल वाला कैमरा है यार ये रियलिटी अल्टरनेट रियलिटी नहीं है ये चीज़ों को पास्ट में पहुंचा सकता है ऐसे करके इसको बनाना पड़ेगा हमने अब जो वो पौधा है वो जो मर चुका है हमने उसकी फ़ोटो खींच दी उसके बाद हम इस फोटो को इस पर चलाएंगे टी वी पे तो जैसे ही ये टी वी चलेगी ना बाहर पे वो जो प्लांट होगा वो सही हो गया होगा ओ भाई काटना मत काटना मत हाँ भाई न्यूटन न्यूटन न्यूट न्यूट न्यूटन का गया न्यूटन हमारा न्यूटन न्यू के ऊपर डालेगा और ये ब्लू कलर का लिक्विड निकल जाएगा ब्लू नहीं सॉरी ग्रीन है इसका कलर ओके तो ये रिएजेंट हमने ले लेना है एड टू रिएजेंट वेट और हम यहाँ से होते हुए तो इसी रिएजेंट को इसमें डाल देते हैं और ग्रीन के अलावा रेड वाला मिलाना है रेड 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 तो इसमें है इसको हीट कर लो इसको हीट कर लो और बस इसको स्टार्ट कर दो ये जादू यहाँ पे बन जाएगा भाई इससे बच्चा हैवी हो जाता है इस बच्चे को पिलाएंगे तो भारी हो जाएगा भाई ओके तो ये भर लिया जिसको हमने पिला दिया अभी हम मोटा हो गया भाई मोटा हो गया ओ भाई बाबा कितना भारी हो रहा है हम चल भी नहीं पा रहे भाई तेज तेज नहीं तोड़ पा रहे भाग 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 तेज 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 अरे यार वहां पहुंचने तक ये पतला हो जाएगा भाई नहीं 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 एक बोतल से ना इसको फटाक से पिलाएंगे पिलाया उसका इसको पकड़ेंगे और ना फिर हम फटाफट फटाफट इसको, इसको इस वाले वाल्व में डालेंगे इस यहाँ पर डालेंगे और ये वाल्व खोलेंगे अपने आप इसको अरे बाबा हो जमीन तोड़ दी इसने अब यहाँ से सगोता हुआ जाएगा और सीधे वहीं पर पड़ेगा तेज, तेज भाई तेज भाग तेज भाग तेज भाग दरवाजा खुल गया दरवाजा खुल गया दरवाजा खुल गया बाय बाय पिल्लू हटेले ओ अब ये कहा पहुंच गए भाई हम ये कौन सी दुनिया में आ गए हम वो आंख नहीं सूरज है क्या वो भाई सूरज में सोलर लगाया या फिर ब्लैक होल है वो पता नहीं क्या है भाई तू भाई अलग ही पौधे में इसको भी पौधों में पानी डालने की खुजली है भाई को अब इधर पे क्या करना है फिर हमने इन द मेमोरी ऑफ द फॉलन द सीकर ऑफ जॉन्डस कोट जॉन डस्कोट तू ऊपर क्या कर रहा है क्या चाहता है अरे पिल्लू मैं सोच रहा था हम उस खड़ी वाली बिल्डिंग में है गाई यार बट ना हम उस बिल्डिंग में नहीं है हम जो दूसरी बिल्डिंग थी ना उस पेंटिंग में वो डोम वाली बिल्डिंग है हम उसकी उस बिल्डिंग में ओके तो अब इधर पे क्या करना है फाइंड द रिएजेंट फ्लावर तो यहाँ पे ना हमने एक फ्लावर ढूंढना है रिएजेंट वाला ये तो होगा ये होगा भाई न्यूट को बुलाना पड़ता है न्यूट ए सॉरी ब्लू वाला है तो पिंक दिखने में बट इसके अंदर शायद ओ भाई पिल्लू नहीं यार क्या करना चाह रहे बेटे ओ भाई पिल्लू नहीं चाहता भाई हम की हम वो फ्लावर का यूज़ कर पाए भाई न्यूट न्यूट साइड और न्यूट भाई न्यूट का अरे न्यूट तो अंदर जा भाई तो अपने आपको बचा के रहा भाई तोप पड़ी हुई यहाँ पे ना ऐसा करते तोप में लोड करते हैं फिर फायर करते हैं तो पिल्लू पे जाए गए अरे नहीं, नहीं नहीं न्यूट न्यूट अरे गलती से गलती से न्यूट उड़ा दिया मैंने इसको ही डाल दो उसके अंदर और इसी को उड़ा दो मैं खाली तोपे मारने में लगा बच्चे को बाय बाय पिल्लू बाय बाय और ये उड़ा भाई गया गया कहा गया दूर कहीं गहराइयों में तू चल भाई तू आ तू तू रीजेंट के पास आ आया लेकिन पिल्लू भाई खाई में गिर गया चलो कोई नहीं पिल्लू को हमने अरे तू मत काटना तू मत काटना पिल्लू को हमने ना अरे भाई पिल्लू को ना हमने एक सिंगल तोप की सलामी दे दी भाई ये अलग टाइप का ये तो पिंक है मैंने सोचा ब्लू कलर का होगा ये इस बार गेम थोड़ा मस्त सा हो रहा है ना अभी तक तो देखो कमरे में ही अटका हुआ था पूरा गेम बट अब भाई हम लेबोरेटरी में पहुंच गए भाई क्या अब तो बड़े गुस्से में अरे भाई नहीं नहीं, नहीं हमको मत फेंकना भाई हमको मत फेंकना नहीं नहीं वो भाई भाई न्यूटन ने बचा लिया न्यूटन ने बचा लिया ऊपर मौसम भी खराब हो रहा है भाई बिजली घड़क रही है नहीं भाई क्या भाई बेहोश बेहोश हो जा रहा क्या यार नहीं यार हम बेहोश हो गए वर्ल्ड कोलाइड तो शायद से ये लास्ट चैप्टर है ट अपडेट का लास्ट लेवल दुनिया टकराती है हम शायद से ये दुनिया अलग है हमारी रियलिटी वाली दुनिया अलग है अराइवल इज आई मस्ट बिगिन प्रिपरेशन डॉक्टर है ना वही प्लेग डॉक्टर जो, जो उसकी ऑडियो सुनाई दे रही है जो प्लेग डॉक्टर मास्क पहनता है तो वो कह रहा है ना कि उसका आना श्योर है इसलिए मैंने तैयारी शुरू करनी चाहिए उसका मतलब शैतान का शायद से ओके तो भाई इसकी आंख खुली हम वही हैं बट आसमान आसमान खराब हो चुका है भाई बहुत मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है मुझे लग रहा है शैतान आ रहा है अब पिल्लू ना अब आएगा अपने मोस्ट फॉर्म में असली वाले जो उसका मोस्ट फॉर्म है भाई को कुछ पता है न्यूट कहाँ गया यार अरे यार न्यूट यार हमारे साथ ही रहता नहीं क्या न्यूटन ने मैं बचाया यार बट चलो यार न्यूट न्यूट यार तुम्हें कैसा लगता है यार न्यूट भाई न्यूट का दिल टूट गया क्या बीच से न्यूट ओह भाई क्या था ये न्यूट कहाँ गया भाई न्यूट 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 दरवाज़ा बंद है भैया टेंटिकल्स आ गए यार इसके मैं टेंटिकल्स में फंसना नहीं चाहता हूँ बट यार न्यूट को कुछ हुआ ना हो यार मैं चाहता हूँ न्यूट ठीक हो मैं हम रिपेयर कर देंगे न्यूट को न्यूट है तो अच्छा क्योंकि क्या तो अच्छा तो तो ये क्या बो रहा है कि ये आवाज़ जैसी क्यों आ रही है अरे भाई न्यूट 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 अरे न्यूट भाई सही बच्चे ने पकड़ा हुआ है न्यूट को अरे पिल्लू न्यूट को छोड़ न्यूट को छोड़ पोशन बनाता हूँ मैं न्यूट को बचाना है पोशन बनाओ पोशन बनाओ पोशन बनाओ कहाँ की वो बुक लिखा हुआ है भाई पर्पल में कौन सा डालूँ बट मैं फिर सब ट्राई करने पड़ेंगे क्या रुक न्यूट बता न्यूट बता कौन सा एक न्यूट हमने ये कर दिया दूसरा कौन सा न्यूट ने हार्ट दिखाया हमें तो हार्ट का मीनिंग होगा कुछ है पिल्लू तू भी बता दे अभी तो नॉर्मल फॉर्म में आ गया अभी शैतान बन रखा था डरा रखा था अभी इसने हमें ओके तू यार एक तो हमने ये डाल लेगा यार दूसरा क्या डालू भाई ग्रीन वाला डालूँ चलो पहले ग्रीन से ट्राई करते हैं ओके तो ब्लू ब्लू कलर का बन रहा है ओके तो ये क्या बना ये कॉन्ट्रैक्ट करने का सोल्यूशन है भाई इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चा छोटा हो गया इससे वैसे कॉन्टेक्ट करके लेकिन हम कहाँ फेंकेंगे भाई छुटका बना के इसको बड़ा हो गया नहीं ये सोल्यूशन नहीं है गई यार एक इसको करो और फिर करो एक ये वाला ट्राई करो हमें ना यहाँ पे बोतल पकड़ो और इसको भी बच्चे के ऊपर ट्राई करेंगे ट्राई हमने सभी बच्चे के ऊपर ही करने है भाई ये बच्चे में ही कुछ है जादू मिस्ट्री ओके okay, तो बन जा सोल्यूशन बन जा येलो कलर का आ गया पिला दू ये पर इस पर तो हस्तर हस्तर का सिंबल बना हुआ है यार चल भाई पी ले तू ही पी ले फिर बाद में चेक करेंगे जलने लग गया क्या तू ये तो जलने लग गया यार और इयर रिंग्स नहीं भाई अरे नहीं यार स्टेबलाइज the... भाई फाइंड वे इसको स्टेबलाइज करना है वरना अस्तर आ जाएगा भाई ऊपर 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 कैसे जाऊं मैं लेकिन भाई बिजली गिर रही है मैं कैसे जाऊं भाई ऊपर इस वाल से मैं जा सकता हूं नहीं भाई मैं नहीं जा सकता वेरी पर लास्ट सोल्यूशन भी बना देते हैं मैंने ये वाला बनाया ना इसमें क्या है भाई इसमें ओके इसमें इसमें भर जा भर जा भर जा

पर मैं मैं हूँ भाई डर मत तू डर मत मैं कह रहा हूँ यहीं पे हूँ भाई चिंता मत कर दूँ तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा तेरे छोटे वाले से ना इसको ट्राई करते हैं पर अभी छोटा करके ना इसे मैं सोच रहा था अगर कर छोटा करके मैं लिफ्ट के अंदर डाल दूँ भाई लिफ्ट के अंदर घुसना हवा में टक गया है अरे लिफ्ट में घुस जा भाई लिफ्ट में अटक गया है लिफ्ट का बटन दबाओ फिर यहाँ न्यूट नया और यहाँ पे आग का सिंबल दिखा रहा है मुझे लग रहा है पौधे को जलाना पड़ेगा तभी लिफ्ट सही हो जाएगी ओके तो अब इसको भर लिया हमने इसको और पिलाओ है भैया जल गया जल गया जल गया ऐसी ही करना है अरे यार वही तो मैं सोच रहा था मैं जला दिया जला दिया पिल्लू को यूज़ करके ना हमने वो पौधा जला दिया हट यहाँ पे से हट निकल अब ना इस लिफ्ट से ऊपर कह जाएंगे बट ओपन ओके ओके तो भाई जब तो ना यहाँ से ऊपर जाते हैं मैं जल्दी 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 इससे पहले कि शैतान आ जा ए ये तो हम पिल्लू के बेडरूम में पहुँच गए और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है उसके घर से निकलेंगे अब भाई अपार्टमेंट नंबर टेन भाई भाई पिल्लू क्या चाह रहा तू ड्रामद ड्राम ड्रामद 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 क्या गेट द पेसीफायर फ्रॉम द किचन ओके ओके किचन में जाना है भाई ये तो पीटने लग गया हमको अरे अरे शैतान आ गया इसके अंदर भूत आ गया इसके अंदर भूत आ गया अरे हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ किचन 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 किधर की दरफ्तार इधर की दरफ्ता वहाँ पड़ा हुआ अरे भाई भाई मुंह क्या आ गया आ रहा क्या करना चाह रहा है तू हार्ट अटैक दे देगा कि पिल्ले चलो चलो ऊपर चलो ऊपर ही होगा भाई ऊपर भागो ऊपर भागो ऊपर भागो और रुक जा रुक जा रुक जा पिलाता हूँ भी पैसीफायर डालता हूँ तेरे मुंह में बैठा लो डाओ शांत शांत बेटा शांति ओके okay, तो अब यहाँ पे पिल्लू हो गया शांत शुरू से इसको पैसिफायर पिलाया रहो ना यार अपने आप शांत रहेगा एज एस ऐसा नहीं रिंग्स को ना स्पिन होते रहना है अगर ये स्पिन ना रुक गया ना इनका तो भाई तबाही आ जाएगी तबाही तबाही ये नीचे हो गया ना तो इसको अब इसको नीचे करो भाई हो गया हो गया स्टेबलाइज हो गया तीनों नीचे हो गए तीनों नीचे हो गए और ये रिंग्स ना स्टेबलाइज हो गई बस हो जाती हैं भाई पिल्लू तोड़ रहेगा इनको थोड़ फोड़ मत देना रे इनको अगर इनको तोड़ देगा ना देना तो शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा भाई नहीं भाई तोड़ दिया इसने तोड़ दिया ये रिंग्सि तो थी जिनने रोक रखा था भाई ये शैतान को हमारी दुनिया में आने से और ये पकड़ो अरे नहीं पिल्लू नहीं तेरे को मैंने पैसे दिया मत करना कुछ मत करना ओह कहाँ कहा, भाई कहाँ अरे यार गेट टू सेफ्टी अरे कहाँ की सेफ्टी भाई कहाँ है सेफ्टी न्यूट का आ गया अरे भाई चल भागो भागो मैं इधर बात देख लो न्यूट यहीं है सही है न्यूट की फट चुकी है गाइस यार न्यूट को तो बॉर्डर लग गया न्यूट में यहीं हूँ चिंता मत कर ब्रेज द डोर कैसे 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 ब्रेज द डोर अरे भाई भाई आगे नहीं यार अरे यार पकड़ लिया इसने हमें। तो हम फिर से जया पहुंच गए भाई और भाई दरवाजा दरवाजा ये स्टॉपर ये अरे यार मुझे दिखा नहीं पिछले बार रुक रुक रुक, रुक दरवाजा रोको दरवाजा रोको न्यूट बता भाई कैसे निकले ओके न्यूट में बैठ गए हम न्यूट बचाएगा हमें न्यूट बचाएगा भाई न्यूटन ने हमें ऊपर पहुंचा दिया छुपा दे भाई न्यूटन में प्लीज यार अरे नहीं भाई कहा गया हो चल न्यूट आ साथ ही रहना नीचे उतरते हैं धीरे धीरे मैं मिल ना जाए बस वो पिल्लू ना मिल जाए न्यूट तू आ जाना मुझे यार खुद बच भी बचना है और न्यूट को भी बचाना है मंत्र मंत्र पढ़ रहा है कोई भागो भागो भागो, भागो, भागो। बाहर की तरफ जाना है न्यूट आ जल्दी आ कहाँ है न्यूट अरे न्यूट कहाँ है न्यूट भाई आना कोर को पकड़ो यार कोर मैं पकड़ता हूँ नॉट सेफ टू पिकअप क्यों सर्च गार्डन फॉर मिसिंग पीसेज कौन सी पीस है ओके 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 तो कोर जो है ना कोर की कवरिंग है भाई ऐसे अंदर अंदर ना कुछ बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये बाहर पे गोल्डन कवर है इसका तुम छू नहीं सकते बिना कवर के ओके ओके, ओके ये ये दूसरा पीस भी न्यूट हाँ भाई तू साथ ही रह न्यूट ओके तो हमने ये कोर को जोड़ दिया और अब होती है तबाही अरे जुड़ जाना भाई जुड़ रहा है जुड़ रहा है जुड़ रहा है और ये जुड़ गया न्यूट न्यूट ले जा न्यूट जा न्यूट मैं आ रहा हूँ न्यूट के पीछे भी जाओ पीछे आ रहे पिल्लू? और पिल्लू आ रहे पीछे से आ रहा है। दरवाजा अरे भाई पकड़ लिया मुझे नहीं यार अरे उधर से निकल अरे नहीं यार पकड़ लिया अरे अरे नहीं नहीं भाई इधर की पीछे पीछे न्यूट का अरे न्यूट, मेरे भाई। अरे मैं आ रहा, न्यूट मैं आ रहा हूँ भाई आगे रोल करते हुए बच गए बच गए बच गए भाई बिल्कुल प्रिसाइज था हमारा बचना फटाख से ऊपर जाते न्यूट ऊपर चला गया हुआ शायद से न्यूट यहीं है सही है भाई यार थक गया न्यूट यार इसकी बैटरी भी लोगे चार्ज मैं कर दूंगा तुझे भाई तू चोट पटक मत खाना चार्ज वार्ज कर मैं कर दूंगा अब इंसर्ट द कोर फेंक के अरे भाई बच्चा आ गया पिल्लू आ गया पिल्लू आ गया पिल्लू शैतान बन गया आ गया अरे जाना बट कैसे न्यूट रोक रहा है मुझे लग रहा है लास्ट में न्यूट ओके अटैच अटैच द कोर अटैच कर दिया हमने बह चला गया शैतान न्यूट को कुछ ना हो बस यार मुझे सिर्फ न्यूट की फिक्र हो रही है मुझे और किसी की फिक्र नहीं हो रही अभी अरे यार हो रहा हो रहा हो रहा भाई कोर अलाइन हो रहे हैं पर कोर के जो छल्ले हैं वो आपस में सिंक हो रहे हैं और शैतान चला जाएगा जैसे ही हो जाएगा अरे हाँ हाँ भाई अरे भाई न्यूटन न्यूटन वो आ गया क्या शैतान आ गया अरे नहीं भाई नहीं जम्स के यार गया बच गया बच गया चिथड़े उड़ोगे भाई नहीं मैं सही करता इसको सही नहीं कर सकते ना इसको यार भाई फटने वाला है क्या फटने वाला है क्या कोर भाई फटने वाला है मैं छुप जाता हूँ साइड में थोड़ा न्यूट को अपने साथ दे रखो भाई न्यूट रिपेयर तो कर ही सकते हैं इसे ठीक हो जाएगा न्यूट भाई तू तु। मैं तुझे करूंगा कोशिश यार सही करने की फट रहा है भाई वो कोर फटा कोर फटा नहीं यार न्यूट को छोड़ दूंगा क्या मैं यहाँ भाई न्यूट के चिथड़े उड़ गए यार बिथ न्यूट यार यार स्कोर ने मार तो दिया था यार पिल्लू को मतलब पिल्लू के अंदर जो शैतान है उसको बट यार न्यूट को भी हो गया कुछ यार क्या मैं कोर पकड़ूँ फिर अब ये लेकिन इस कोर को मैं छू के शायद से यहाँ पे फिट करूँगा और मैं कहाँ पहुँचूंगा अब अटैच कर दिया कोर यार न्यूट चलो ठीक है अब आगे गेम कंटिन्यू करते हैं मुझे लग रहा है अब शायद ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा या अपने आप सॉल्व हो जाएगा नैना अपने आप अपने आप रोटेट कर रहा है ओके तो ये ना बन गया भाई सिंबल पिल्लू का सिंबल बन गया शैतानी सिंबल हस्तर का ओके और ये दरवाजा खुल गया भाई सामने से पिल्लू फिर से आ गया भाई एक और पिल्लू भाई इतने तीन चार पिल्लू अबे भाई पिल्लू वो भाई हमें नीचे गिरा दिया ओके okay, ये आग oh! ओ लेक डॉक्टर आ गया फिर से भाई मुझे क्या पता मैंने तो मैं जो कर कहा था वो करता रहा क्या कर दिया हमने भाई वो डॉक्टर जिंदा था वो आ गया वो न्यूट को सही कर देगा यार चलो कम से कम मुझे एक चीज की बहुत खुशी है कि न्यूट को वो सही कर देगा डॉक्टर आ गया ओके सो दिस इज नॉट दी एंड वही ज़र एक कैट वाली अपडेट ना बेबी नहीं हर की खत्म हो गई है भाई इस बार पे थोड़ी ना स्टोरीज बड़ी मस्त मस्ती लग रही है वो डॉक्टर वॉक्टर का जो कैरेक्टर आ गया है अब इसकी ना जो स्टोरी है जिसका लोर है जिसकी कहानी है ना वो मैं प्लेनेट यूज रहस्य में ले आऊंगा बाकी यार न्यूट का ना मुझे बहुत बुरा लगा यार न्यूट सा बहुत मैं तो सो रहा था हमारे साथ ही नहीं रहता न्यूट यार बट कोई नहीं डॉक्टर आ गया तो उससे हम बात करेंगे न्यूट को सही करने के लिए कह देंगे मगर तुम लोगों ना कमेंट्स में ना लव यू न्यूट लिख दो भाई यार मुझे तो बहुत पसंद आया न्यूट न्यूट ने हमारी बजान भी बचाई थी बहुत प्यारा सा रोबोट था भाई बहुत बुरा लगा मुझे जब न्यूट की डेथ हो गई बेचारे की तो भाई यार ये है इस तक अभी तक की अपडेट वैसे कही यार तुम लोगों को क्या लगता है आखिरकार इस गेम में चल क्या रहा है ये बेबिन ये जो है ना ये पिल्लू अटेला हमारा ये अस्तर से कैसे रिलेटेड है और ये है क्या चीज कि प्लेग डॉक्टर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था तुम्हारे जो भी समझ आ रहा है जरा कमेंट्स में लिखो बाकी आज की वीडियो में इतना ही ओबी इंजर्ड थे thanks for watching the video friends